दोस्तों अक्सर देखा गया है कि हमारे सारे प्लेयर सही हो जाते हैं मगर कैप्टन वाइस कैप्टन सही हम नहीं चुन पाते हैं। प्रॉब्लम इसमें आ जाती है और उसके वजह से हमारे रैंक तो अच्छे खासे होते हैं मगर कैप्टन वाइस कैप्टन ना चलने की वजह से दूसरा कोई रैंक जो है करा लेता है, अच्छा खासा रैंक आया था और वो ग्रैंड लीग को विन करके चलाया था, हम बस देखते रह जाते हैं। दोस्तों इस प्रॉब्लम से आज की वीडियो में आपको छुटकारा मिल जाएगा, कभी आपको फिर कैप्टन वाइस कैप्टन में शिकस्त नहीं मिलने वाला है। मगर हाँ, स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हो सकता है 10 टीमें अगर आप ऐसे बनाए, मतलब कि 10 मैच ऐसे खेलें अलग अलग टीमों से, मतलब कि आज इंडिया पाकिस्तान हो गया, कल बांग्लादेश इंडिया, ऐसे करके अगर 10 खेलते हैं आप, 10 में से 8 में आपको विन हो जाएगा। हाँ, 2 लॉस हो सकता है, ठीक है, मगर हाँ 10 में से 8 विन हो सकता है। तो दोस्तों आंकड़ा 8 का ज्यादा है, तो इस हिसाब से अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे तो आपको लॉस होने का चांस नहीं है। जो आता है ना कि 49 रुपया हमारा भाई डूब जाता है, कभी 49 तो डूबेगा ही नहीं अगर आप ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं। तब एक तरफा आपको उतना पॉइंट देके चले जाएंगे, आपका उतना तो आ जाएगा, ठीक है, बाकी अगर प्लेयर ना भी चले तो ये उतना देके आपको चले जाएंगे। ओके, तो आइए दोस्तों डिटेल में वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये मैच हुआ था अभी दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ था, इसके बारे में थोड़ा लेट से हम बात करते हैं, मतलब थोड़ा देर में बात करते हैं, पहले हम कुछ पिछले रिकॉर्ड की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको पूरा रिकॉर्ड दिखा करके यहां पर समझाने वाला हूं, मैं चाहता तो ऐसे सिर्फ मुंह से भी बोल करके चला जाता है यहां पर, मगर दोस्तों उस हिसाब से आपको समझ में नहीं आता जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आप भी दोस्तों मेरे को कोऑपरेट करिए, सही से समझने की कोशिश करिए मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, जो ना समझ में आए बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके। मगर हाँ एक चीज है यार, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन इसलिए करा रहा हूं मैं क्योंकि भाई जो भी अपडेट होती है, जो मैं अभी बताने वाला हूं, वो अपडेट के हिसाब से ही आप कैप्टन वाइस कैप्टन चुन पाएंगे सही। अगर वो अपडेट आपको पता नहीं रहेगा तो आप नहीं चुन पाएंगे, ठीक है। तो उस अपडेट को जानने के लिए, आप कैप्टन वाइस कैप्टन को जानने के लिए दोस्तों हमारे टीम को जो है ना, टेलीग्राम को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और रही बात टीम की, टीम तो मैं देता ही उसमें, मगर एक चीज मैं जरूर बोलता हूँ कि भाई कैप्टन वाइस कैप्टन आपको चेंज करना है। अब चेंज कैसे करेंगे, अब जब आपको पता रहेगा तब तो चेंज करेंगे ना। और क्यों मैं चेंज कराता हूँ, इसका भी कारण है क्योंकि यार सारे लोग हमारे टीम में बहुत सारे मेंबर हैं, है ना, हम लोग सब लोग जो है बहुत सारे हैं। अब सभी लोग का कैप्टन वाइस कैप्टन एक रहेगा तो यार वो मजा नहीं आएगा। आप लोग सब जानते हैं कि अगर एक पॉइंट घटता बढ़ता है तो 20,000 रैंक ऊपर नीचे जाता है, तो सोच सकते हैं हम लोग का क्या हाल होगा अगर सब लोग एक ही जैसा रखेंगे तब। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1-2 खिलाड़ी और प्लस में कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर लीजिए। अगर खिलाड़ी ना भी चेंज करे तो कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर चेंज करना चाहिए आपको, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब डिटेल में बात करते हैं अपना। वो उम्मीद है कि जो मैंने बताया सारा कुछ लाइक और टेलीग्राम वगैरह सब ज्वाइन वाइन कर लिए होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा दिक्कत आ रही है कि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा, खैर कोई बात नहीं, ट्राई करते रहें। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिसके पास टेलीग्राम नहीं हो बना लीजिए टेलीग्राम, जब बनाएंगे आप तभी ज्वाइन हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं ज्वाइन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हो पा रहा, अरे रहेगा तब तो आपका ज्वाइन होगा ना भाई, इसलिए बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब यहाँ से आप आंखें गड़ा करके देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि समझने की कोशिश करिए, मैं समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर जो ना समझ में आए तो थोड़ा कमेंट भी करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें शर्म वाली बात नहीं है मेरे भाई, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई है एक तरफ से कह सकते हैं, पढ़ाई में शर्माना क्या है, किसी भी उम्र में जाके हम पढ़ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। जरूर पूछ लिया कीजिए, कुछ आपके अंदर और भी अगर हम जो बता रहे हैं उसमें और इंक्लूड करना चाहते हैं, आप कुछ और बताना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, उससे हमें भी फायदा होगा, प्लस में जितने आपके भाई बहन इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग को फायदा होगा, सब लोग जानेंगे उस चीज को, ठीक है। जरूर कमेंट कर दिया गया, मैं क्योंकि कमेंट का आपका रिप्लाई करता हूं मेरे भाई, जो ना रिप्लाई करता उसके पास आप कमेंट करते हैं कोई मतलब नहीं, आपका वैल्यू नहीं है। हम रिप्लाई करते हैं हर एक कमेंट को, पढ़ते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के, और इसलिए पढ़ते हैं कुछ जानने को सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो जरूर आप लोग मेरे को भी सिखाइए थोड़ा सा, ओके। कुछ होता है यार, जो चीज आप जानते हो वो चीज हम ना जानते हो, ऐसा होता है, बाहुबली नहीं समझ सकते अपने आपको, ठीक है, कोई भी नहीं समझना चाहिए सब मामले में, ओके। तो यहाँ पर चलते हैं भाई, बात करते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एक टीम था, श्रीलंका अफगानिस्तान का मैच हुआ था दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पर देखिए स्टेटस में मैं जाता हूँ, स्टेटस में क्यों दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर, आपको बहुत नॉलेज भी मिलेगा इससे। मैं 1-2-3 का टीम का दोस्तों और भी मैं दिखाऊंगा उससे, ठीक है, जो कि ज्यादा समझ में आए आपको, हो सकता है इससे आपको ना समझ में आगे भी समझ में आ जाएगा अगर बने रहेंगे तब आप, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रीम टीम का हिस्सा रहे, यहाँ पर सबसे टॉप में अगर रैंक चल रहा है, पॉइंट अगर दिए हैं तो 199 जबरन, ठीक है। यहाँ पर राशिद खान देख सकते हैं 156 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, तो इनको दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, सिलेक्ट करने वाले का देखिए, मतलब कि कैप्टन वाइस कैप्टन, इनको तो 7% पे मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया गया कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है, 7% लोग किए, इनको देखिए 3% लोग किए, ठीक है। अब नीचे आप चलेंगे यहाँ पर, एकदम ध्यान देते जाइएगा, ये आंकड़े बहुत जरूरी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा इसका क्या है गुड़ा गणित, ठीक है।
आज के बाद से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, ओके, अगर सही से समझेंगे तब। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। अब आई बात भाई मेंडिस को बनाया सब 5%, ठीक है, ये भी लगभग चलेंगे, ओके। इनका भी अगर बनाया तो इनके भी देखिए अच्छे खासे पॉइंट दे गए हैं, 95% इनको भी दिया, मतलब ये भी ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों और नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं हसरंगा, ओके, यहाँ पर हसरंगा को बनाया गया, इनका पॉइंट आप देखेंगे तो 56 पॉइंट बस, ठीक है, हसरंगा का 56 पॉइंट है। तो इस बात से क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, मैं समझाता हूँ। इस बात से समझना चाहिए आपको कि ज्यादा नामी प्लेयर नहीं लेने हैं आपको। अब किस जगह पे नहीं लेने हैं ये भी बात कर लेते हैं। देखिए इस जगह पे नहीं लेने हैं, अगर टीम टॉस जीत गया, ठीक है, टॉस जीत करके अगर वो बॉलिंग का फैसला कर लिया, ठीक है, तो आपके दिमाग में फट से यहां पर घंटी बजना चाहिए कि भाई ये बॉलिंग पिच है, ठीक है, अगर बॉलिंग का फैसला किया तब, क्योंकि बॉलिंग करेगा वो पहले, मजा लगेगा बॉलिंग का, जैसे आज हुआ टीम में, ठीक है। तो भाई बॉलिंग पिच में आपको क्या करना है, एक देखिए बॉलर हमेशा आपको रखना है कैप्टन के लिए या वाइस कैप्टन के लिए बॉलर आप रखेंगे ये, ठीक है, और एक ऑलराउंडर को भी जरूर बनाएंगे अगर ऐसा होता है तब। अगर टीम टॉस जीत करके पहले बैटिंग करती है तो आपको कैप्टन बैटमैन को बनाना है, बैट्समैन को, क्यों, क्योंकि ये बैट्समैन चलेंगे यहां पर, क्योंकि बैटर पीछे ही है, ठीक है। अगर ये इधर के बैट्समैन ना चले तो इधर के बैट्समैन चलेंगे, मतलब दो टीम से बैट्समैन लेते हैं अपना, तो बैट्समैन चलेंगे, इसलिए बैट्समैन को यहां पर बनाना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पर प्रॉब्लम देखिए यही हो जाता है, लोग ज्यादातर हाई परसेंटेज वाले को देख सकते हैं, यहां पर डी सिल्वा को 69% लोग बनाया था, देखिए यहां पर पॉइंट अगर इनकी बात करें तो 43 बस, यहां पर 12% 13% सबका ज्यादा है, मगर पॉइंट सब कम करके देखे गए हैं, सब कम करके देखे गए हैं। दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको भी ऐसे ही ध्यान देकर के टीम बनाना है, ठीक है। ज्यादा पॉइंट जो होता है ना सिलेक्शन, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, सिलेक्टर परसेंट इसका ज्यादा है तो ये बहुत अच्छा है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो अभी एक मैच की बात हुई थी, ठीक है, यहाँ पर देखिए इनका, यहाँ देखिए 81%, बाप रे बाप, भाई 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 देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो मैं मतलब किस सिलेक्शन दिखा दिया आपको, कैप्टन दिखा दिया मेरे को, ठीक है। तो कैप्टन देख सकते हैं यहाँ पर 12 गुरबच का है, तो यहाँ पर 18 पॉइंट देकर के गए हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन हमेशा आपको कम वाला रखना है, मगर कब रखना है कम ये मैं बता दिया आपको पिच के हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं और एक टीम दिखाते हैं, उसके बाद हम फाइनल इसके मतलब कि पूरा जो वीडियो का निचोड़ एक ही बात में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, लास्ट में। अभी मैं एक और टीम आपको दिखाता हूं, देख सकते हैं यहां पर हम नीचे आते हैं, तो न्यूजीलैंड इंडिया का मैच था दोस्तों, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी देखने वाली चीज है भाई, ये सब किसी से छुपा थोड़ा है, आज चाहे कल देख सकते हैं आप। यहां पर देख सकते हैं टी लथम को कितने परसेंट लोग ले लिए थे, 1.72% लोग। अब भाई इनको जितने लोग लिए होंगे सभी का कुछ ना कुछ आया होगा, जिनका टॉप वन होगा तो ग्रैंड लीग को विन करके गए, 1 करोड़ 1.5 करोड़ जितना का कॉन्टेस्ट होगा ये लेके चले गए आप। मगर दोस्तों इसमें जितने लोग इनको लिए होंगे सभी का कुछ ना कुछ आया होगा, लॉस नहीं गया होगा, ठीक है। ऐसे टीम अगर आप बनाते हैं आप जिसका परसेंटेज कम रखते हैं आप, अब परसेंटेज कम रखना होता है, मैं बता ही दिया आपको किसको लेना है कम में, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ले लेंगे आप। अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूं, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने ज्यादा अच्छे तरीके से बताया, उसी मतलब के टॉपिक पे बात ही किया हुआ है, ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा आप, नहीं तो लास्ट में इन स्क्रीन में आएगा वो वीडियो, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर देखने वाली बात है कि 1% लोग इनको लिए, ये यहां पर कितने पॉइंट दिए इसको देखिए आप, देख सकते हैं 198 पॉइंट, ठीक है। यहां पर विलियमसन को मतलब कि 1.26% लोग, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं धवन को 12% लोग, धवन कितने दिए पॉइंट भाई, 93, ठीक है। देखिए यहां पर बहुत ध्यान से बारीकी से देखने वाली चीज है, और भी आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। देखिए 24% लोग यादव को, भाई साहब 24% लोग यादव को ले लिया। अब 24% लोग देखिए ज्यादा जिसका परसेंटेज है सिलेक्शन परसेंटेज, उसको अगर हम कैप्टन बनाते हैं, ठीक है, अगर कैप्टन ज्यादा उनको लोग बनाए हैं और उसी को बनाते हैं तो क्या फायदा रहेगा यार, जब यहाँ पर ऑलरेडी 24% लोग ले रहे हैं और 60 लाख का 24% पता ना अभी गुड़गुड़ागणित करने भी अभी नहीं आएगा, यहाँ पर आप कर लीजिएगा। अगर उतना लोग लेते हैं तो आप किस हिसाब से अपने आप को रैंक में लाना चाहते हैं, कितना रैंक में लाना चाहते हैं, ये खुद से सोचिए ना। ये देखिए दोस्तों रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर रिस्क लेते हैं आप कम परसेंटेज वाले को, मतलब कि जिसको कम कैप्टन लोग बनाया है उसको अगर लेते हैं आप, अगर वो चल गया तो आपके रैंक विन हो जाएंगे, ठीक है, जीएल जो है कि विन हो जाएंगे, रैंक अच्छे खासे आ जाएंगे। अगर नहीं चला तो बात की बात है भाई, क्या करेंगे, किसमें थोड़ा सा दोषी हो सकता है इसमें। मगर ज्यादातर दोस्तों देख सकते हैं ये मैं दो आपको टीम में दिखाया, अगर मैं आपको और दिखाऊं यहां पर देख सकते हैं ज्यादातर आपको वही दिखाई देंगे, देख सकते हैं यहां पर जो कम ही वाले ज्यादातर देख सकते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर
देख सकते हैं यहाँ पर कम ही वाले 3.59%, यहाँ पर देखिए ये है 13%, ठीक है। और भी आपको दिखाई देंगे इसमें, देख सकते हैं यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर 22% स्मिथ को, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाई देंगे दोस्तों ऐसे ऐसे करके, मतलब ज्यादा लोगों को लोग बनाते हैं ज्यादा परसेंटेज वाले को, जो ज्यादा लोग उसको लेते हैं, ये बिल्कुल गलती आपको नहीं करना है। यहाँ पर भी दोस्तों यही हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी आपको इंडिया वो जो इसका था अभी बांग्लादेश का मैच था, इसमें भी दोस्तों यही हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 86% लोग सिलेक्ट तो किए इनको, क्योंकि ऑलराउंडर थे। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब आपका पिच बैटिंग पिच हो बॉलिंग पिच हो तो उसके हिसाब से क्या करना है, अगर बैटिंग पिच हो तो बैट्समैन, बॉलिंग पिच हो तो बॉलिंग, ये कैसे आपको पता चलेगा, जब टॉस टीम जीतेगी अगर बॉलिंग करने आए तो बॉलिंग पिच है, अगर बैटिंग करने आएगा तो बैटिंग पिच है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए वीडियो जरूर देखिएगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इन स्क्रीन में भी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन वाइज की देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सिलेक्शन है इनका, देख सकते हैं यहाँ पर 3.69% मोहम्मद सिराज का, यहाँ पर तो हसन का ठीक था यहाँ पर, ओके, यहाँ पर साकिबुल हसन भी ठीक ठाक थे, इनका मतलब परसेंटेज ठीक है, मतलब कि 10 से नीचे था, ओके ठीक ठाक था। अब यहाँ पर और भी हम आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आर शर्मा 14% लोग, इन लोगों को क्या होगा, इन लोग कभी एंट्री फीस वापस आएगा, कभी नहीं आएगा एंट्री फीस वापस, रैंक वन की तो बात छोड़िए, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 14% आर शर्मा को। और अगर नीचे जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते विराट कोहली को 28%। देखिए बड़े खिलाड़ी हम नहीं मतलब ये बोल रहे कि बड़े खिलाड़ी खराब होते हैं, ठीक है, बड़े खिलाड़ी 10 मैच में एक मैच, ये मतलब रिकॉर्ड रहता है उनका, 10 मैच में एक मैच नहीं तो दो मैच, बाकी सब नीचे के खिलाड़ी लेके जाते हैं, जिनका परसेंटेज जिसको लोग कम लोग सिलेक्ट करते हैं वही लेके जाते हैं ग्रैंड लीग को दोस्तों, ये सब रिकॉर्ड है, आप भी निकाल करके देख सकते हैं आराम से, मतलब फुर्सत होकर देखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, देख कर कहीं टीम बनाइए आप, ठीक है। तो मेरा बस यहीं तक वीडियो रहेगा दोस्तों, एक अगर शब्द में मैं निचोड़ आपको बताऊं इसका वीडियो का, तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आपको जब भी कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है हमेशा जो कम सिलेक्शन हुआ हो उसको सिलेक्ट करना है बस, ठीक है। अब उसको सिलेक्ट करने का यही तरीका है कि आपको पिच रिपोर्ट सही से पता होना चाहिए, उसके लिए आप टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिए, तुरंत जैसे ही पिच रिपोर्ट आ जाए, टॉस होता है ना, पिच रिपोर्ट तो हम पहले ही प्रेडिक्शन में बता देते हैं ऐसा, मगर जब टॉस होता है, जब मतलब कि खिलाड़ी जब सेलेक्ट करते हैं अपना टीम कि भाई हम बैटिंग करेंगे कि बॉलिंग करेंगे, तो उस समय हमें आपको अपडेट कर देता, वो सबसे मेन होती है, बाकी प्रेडिक्शन तो आदमी देता है, कभी प्रेडिक्शन गलत भी होता है कभी सही भी होता है, ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि जहां से हम रिकॉर्ड निकाल रहे हैं गूगल से निकाल रहे हैं, तो गूगल में भी कोई मतलब लिख के ही आर्टिकल डाला होता है, ठीक है, उसमें हो सकता है गलत कम बेसी हो, ठीक है, इसलिए जरूर उस टाइम को मतलब कि देखने के लिए जो भी टॉस हुआ क्या नहीं, उसके लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक निचोड़ यही निकलता है कि कम आपको बनाना है बस, ज्यादा में मत जाइए, कम में रहेंगे आप 8 कम से कम आपके विन होंगे, मतलब कि 8 आपके कैप्टन वाइस कैप्टन सही चलेंगे, मगर हाँ उसमें भी ध्यान देके बनाइएगा, मगर उस वीडियो को देख लीजिएगा तभी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप, मैं उस वीडियो में जिस हिसाब से समझाया हूँ इस वीडियो में उस हिसाब से नहीं समझा पाया हूँ, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही टॉपिक पे वीडियो हुई, इसलिए सही से समझाया उसमें, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और अभी इन स्क्रीन में भी आने वाला है वीडियो, ठीक है, जरूर देखिए। बस वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया समझ में आया कुछ एक लाइक कर दीजिएगा, ना समझ में आओ तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन बिल्कुल कर लीजिएगा, समझ में आए चाहे ना, ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब आप कमेंट करेंगे तब, ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।